पिथौरागढ़ में असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ द्वारा मानदेय सूची तय की है तथा कार्मिकों के परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। नमस्कार, न्यूज़ इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में अक्टूबर 2019 में अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या करने वाले हरीश सिंह को जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। हरीश सिंह पर 50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि सुनीता देवी का शव सरस्वती विहार कॉलोनी की एक गली में पड़ा हुआ मिला था। मृतका की बहन की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद मामला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हरीश सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे धारा 201 के तहत भी दंडित किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के छिपला केदार क्षेत्र में कीड़ा जड़ी दोहन के लिए गए गरगुआ गांव निवासी पंकज सिंह उम्र 28 वर्ष और जितेंद्र सिंह कुंवर उम्र 32 वर्ष मौसम खराब होने पर उच्च हिमालय में छाता ओढ़कर बैठे हुए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली का करंट छाते में आ गया जिससे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। छिपला केदार से शवों को गांव तक पहुंचा पाना संभव नहीं था, इसलिए परिजनों ने क्षेत्र में ही दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। रविवार रात मुनस्यारी तहसील के चुतरी क्षेत्र में बादल फट गया। बादल फटने से होकरा, गोला और खोयम गांव के जसमल सिंह, सुर सिंह, गंगा सिंह, किशन सिंह, मान सिंह और जगदीश सिंह की 80 बकरियों की मौत हो गई और कई बकरियां लापता हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी जिला सूचना अधिकारी को दे दी है। सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग, मेडिकल विभाग, वन विभाग की टीम गांव पहुंच गई। सामाजिक कार्यकर्ता भगत बाचमी ने क्षति का आकलन कर पशुपालकों को मुआवजा देने हेतु पत्र तहसील प्रशासन को भेज दिया है। 16वीं कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने रेजिमेंट का 58वां स्थापना दिवस होटल एयरपोर्ट इन में धूमधाम से मनाया। जिले भर से आए पूर्व सैनिकों ने दीप प्रज्वलित कर कालिका माता की जयकारों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि कैप्टन दान सिंह खोलिया ने यूनिट स्थापना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बटालियन ने अपनी स्थापना से अब तक देश सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया है और कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। कैप्टन कालू सिंह, सूबेदार लक्ष्मी दत्त, कैप्टन गंगा सिंह, दीपक सिंह, नंदन सिंह, चंद्र सिंह ने रेजिमेंट से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर लोक संस्कृति पर आधारित गीत भी गाए गए। छोटा कैलाश व ओम पर्वत की धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र से आई 16 महिलाओं व 3 पुरुषों को कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने मराठी भाषा में हिमालय बचाओ की शपथ दिलाई और वहां एकत्र कूड़े को धारचूला में निस्तारण करने को कहा। साथ ही 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी, कालापानी, नाभिढांग व जौलीकांग में पौधे रोपण को दिए। भारत और नेपाल में लंबे समय से नशा मुक्ति एवं बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नेपाल के इटहरी जिले के सुनसरी में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि परशुराम खापुंग, प्रदेश प्रमुख कोशी, विशिष्ट अतिथि लीला बल्लभ घिमिरे, आंतरिक मामले एवं रक्षा मंत्री माया घर, नेपाल की अध्यक्षा सुभद्रा कुरेल ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। बता दें कि डॉक्टर अवस्थी लंबे समय से भारत नेपाल के साझा संबंधों, सांस्कृतिक विरासत एवं साहित्य पर शोधात्मक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अवस्थी को सम्मानित करने पर जनपद के साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों ने खुशी जताई है। सीओ परवेज अली ने सभी न्यायालयों के पैरोकारों के साथ बैठक की। उन्होंने पुलिस कार्यालय और सभी डाकों का समय से आदान प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि न्यायालय से मिले सम्मन नोटिस को समय से तामिल कर निस्तारण किया जा सके। जोहार क्लब की 69वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई।
जिसमें अंडर 14 के तहत बालक वर्ग के फुटबॉल मुकाबले में बर्फू 11 दराती एवं विवेकानंद विद्या मंदिर ए के मध्य मुकाबला हुआ, जिसमें बर्फू 11 दराती 4-0 से विजयी रही, जिसमें रणविजय चिराल और भावेश बुरफाल ने एक गोल किया। विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़े के तहत प्रकृति प्रेमी हर सिंह को आज सम्मानित किया गया। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के नेतृत्व में उन्हें कुमाऊनी टोपी व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा चंडाक सड़क पर 3 किलोमीटर क्षेत्र की मानसरोवर वाटिका में सुबह शाम 8 घंटे रोज पौधों को पानी, निराई गुड़ाई करने को याद किया गया। सम्मान मिलने पर प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने खुशी जताई है। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।